मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले में जिस तरह से लगातार पिछले दो दिनों से बारिश होती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं यह नजारा के परभनी शहर के प्रभाग नंबर 2 में किस तरह से बारिश होती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, प्रभाग नंबर 1 में भी किस तरह से बारिश हो रही है आप ये भी देख सकते हैं। और यही नहीं, इसी के साथ में अगर आपको देखना है तो परभनी शहर के प्रभाग नंबर 6 और 3 का जो वांगी रोड का रास्ता है, मेन रास्ता है, आप इस रास्ते पर भी नज़र डाल कर देख सकते हैं कि कितने स्पीड से पानी जाता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार दो दिन से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों को खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा परभनी शहर के प्रभाग नंबर 13 का ये हाल हो गया है कि यहाँ पर जो खदान है, ये खदान लबालब भरने की वजह से, यहाँ के बियाने महामंडल की दीवार टूटने की वजह से यहाँ के घरों में पानी घुस गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपने घरों में से किस तरह से लोग पानी निकाल रहे हैं। यही नहीं बल्कि प्रभाग नंबर 2 का यह हाल हो गया है कि मदीना नगर में जिस तरह से पानी लोग निकाल रहे हैं अपने घरों से, आप यह नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप हर एरिया में अगर जाकर देखेंगे तो हर एरिए में पानी पूरी तरह से भर गया हुआ नज़र आ रहा है। नालियों के कचरा भरा हुआ होने की वजह से रास्ते पर पानी आ गया, और रास्ते पर पानी आने की वजह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि पानी से बचते हुए अपने गाड़ियों को महफूज रखते हुए जा रहे हैं। कैसे पानी के वजह से लोग अपने टू व्हीलर पर पैर ऊपर करते हुए जा रहे हैं। आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, अपने घरों में से पानी निकाल रहे हैं। जिला प्रशासन किस तरह से गहरी नींद में है, ये भी आप देखिए। परभनी शहर महानगर पालिका इस पूरे काम के जिम्मेदार है। परभनी शहर महानगर पालिका अगर यहाँ के नालियाँ निकालते थे, परभनी शहर के नालियों को अगर साफ करते था, और यहाँ के जो बड़े नाले हैं इनकी भी अगर साफ सफाई होती थी, और अगर यहाँ नालों को डोंगा और चौड़ा कर किया जाता था तो ये हाल नहीं होता था परभनी शहर का। परभनी महानगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। शहर के सवेरा कॉलोनी का यह हाल हो गया है कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने 2 बार निवेदन दिया जिला प्रशासन को, लेकिन उसके बावजूद परभनी शहर महानगर पालिका के कान पर जू नहीं रेंग रही है। परभनी शहर के जितने भी सम्माननीय नगर सेवक है, ये लोग परेशान है इस बात को लेकर कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ के गजनी परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार जिस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं कि इन्हें किसी भी बात के लिए अगर कहा जाए तो, ये पहली बार अगर इनके पास में कोई जाता है तो ये ठीक है, काम अपना हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति जाता है तो ये भूल जाते हैं। इसीलिए इन्हें एक उपाधि दी गई है गजनी की। आयुक्त ही ऐसे हैं देवीदास पवार, परभनी शहर महानगर पालिका के, इन्हें भूलने की आदत है जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। ऐसे आयुक्त की क्या ज़रूरत है? परभनी शहर के लोगों के टैक्स का पैसा, जो लोग यहाँ पर घर पट्टी भरते हैं, नल पट्टी भरते हैं, रोड का टैक्स भरते हैं, इनके टैक्स का पैसा परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त जो पेमेंट उठा रहे हैं, ये पेमेंट सिर्फ इन लोगों के टैक्स का पैसा जाता है। और ये लोग परेशान इस बात के लिए है कि जब हम अपने टैक्स का पैसा परभनी शहर महानगर पालिका को पेड कर रहे हैं, ऐसी सूरत में हमें मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित रहना पड़ रहा है, ये एक सवाल या निशान बना हुआ है। परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार पूरी तरह से जिम्मेदार है इस बात के लिए कि यहाँ रास्तों के काम पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं, रास्तों में गड्ढे पड़े हुए हैं, रास्तों में खड्ढे पड़े होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की नालियों के काम नहीं हुए हैं, रास्तों के काम नहीं हैं, बड़े नालों के काम नहीं हैं, हर घर में पानी घुसा हुआ है। जिला प्रशासन ने पिछली बार 31 जुलाई 2021 को जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, ऐसे हर व्यक्ति को 10,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक इन लोगों को पैसा मुआवजा नहीं पेड किया गया है। परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने कई बार वादे किए लेकिन वादे इनके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी के कर्तव्य दक्ष पालक मंत्री नवाब मलिक साहब, इन्होंने भी वादा किया था और परभनी प्रशासन को ये अवगत कराया था कि यहाँ जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन लोगों को अब मुआवजा देना ज़रूरी है। अब ये मुआवजा अभी तक नहीं पहुँचा है। परभनी की नई नवेली जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्हें 1 महीना हो गया है अपना पदभार स्वीकार कर,
ये अभी पूरी स्टडी कर रही हैं पूरे परभणी डिस्ट्रिक्ट की कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा और किस तरह से यहाँ पर काम करना है और जनता की सेवा किस तरह से करना है। लेकिन यहाँ अभी तक उनका आमना सामना जनता से हुआ नहीं है और जनता ने अभी तक उन्हें अपने मसले मसाइल बताए नहीं हैं। जब ये भी इन्हें भी जब इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से काम करेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन अधिकारियों को इस बारे में मालूमात है ये लोग अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने ये काम करना बहुत ज़रूरी है। परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर जिस तरह से पानी रुका हुआ है, जिस तरह से बॉम्बे होटल के सामने पानी रुका हुआ है, जिस तरह से गुजरी बाज़ार में आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर से पाथरी को जाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर ब्रिज का काम किस तरह से रुका हुआ है, और ब्रिज के काम के रुके होने की वजह से यहाँ पर किस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जिस तरह से यहाँ रुके हुए हैं, पानी पास नहीं होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा आप गंगाखेड़ रोड के ब्रिज का क्या हाल है ये भी नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभणी शहर के जमजम कॉलोनी का यह हाल हो गया है कि यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 का यह हाल हो गया है कि हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी का आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को किस तरह से रुकना पड़ रहा है ब्रिज पर पानी आ जाने की वजह से। अगर नाले निकाले हुए रहते तो ऐसी सूरत में रास्ते पर पानी नहीं आता। लेकिन परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्हें लगातार पिछले 4 महीने से ये बात कही जा रही है लोगों की जानिब से कि आप जब सूख जा रहा है, बारिश नहीं आ रही है, ऐसे सूरत में आप जेसीबी लाकर यहाँ के नालों को चौड़ा और डोंगा करें। लेकिन यहाँ के आयुक्त किस तरह से गहरी नींद में सोते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये बारिश के पानी की वजह से आप देख सकते हैं। 11 जुलाई 2021 और 21 जुलाई 2021 को जिस तरह से परभणी शहर के लोगों के घरों में जिस तरह से पानी घुस गया था, परभणी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब इन्होंने आश्वासन दिलाया था इस बात का कि आने वाले कुछ ही दिनों में जिन लोगों का नुकसान हुआ है ऐसे 1200 घरों को ये मुआवजा दिया जाएगा, एक घर को 10,000 रुपये के हिसाब से। लेकिन वो आज तक मुआवजा तो मिला नहीं, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है और लोगों के घरों में जिस तरह से पानी घुसता हुआ नज़र आ रहा है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बार भी ज़िला प्रशासन वो 10,000 रुपये और ये अलग से इन्हें मुआवजा दिए जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये किस तरह से गंभीरता से इस बात को लेती हैं और किस तरह से लोगों की सहायता करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ज़िला प्रशासन किस तरह से सतर्क है ये तो जब परभणी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये जब एक्शन लेंगी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगी तब माना जाएगा कि परभणी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये जनता के काम के लिए है और काम बखूबी अंजाम दे रही है। जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने जिस तरह से सराहनीय काम किया है परभणी की जनता के लिए, क्या श्रीमती आंचल गोयल परभणी की जिलाधिकारी ये भी इस तरह से काम करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परभणी शहर में जिस तरह से बारिश हुई है इस बारिश की वजह से लोगों का लाखों रुपये का नुकसान हो गया, और आप अगर ये देखेंगे तो परभणी शहर के नया मोंडा स्थित श्री एजेंसी का जो नुकसान हुआ है, यहाँ पर जिस तरह से एक दीवार टूट गई है बारिश की वजह से, किस तरह से नुकसान हुआ आप ये देख सकते हैं। लगभग 25 से 30 लाख रुपए का श्री एजेंसी के मालिक का जो नुकसान हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये दीवार टूट गई है, और दीवार टूटने की वजह से यहाँ इनका जो शो का सामान था, यहाँ पर इनका जो फर्नीचर का सामान था, यहाँ पर फर्नीचर के सामान में अलमारी, फ्रिज, एसी और उसी के साथ में वॉशिंग मशीन और ऐसा जो सामान यहाँ पर रखा हुआ था, तकरीबन इनका 25 से 30 लाख रुपए का इनका जो नुकसान हुआ है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई जीवित हानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरह का नुकसान होना बारिश की वजह से, अब ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति का, इस एजेंसी मालिक का जो नुकसान हुआ है, ज़िला प्रशासन ने यहाँ पर आकर इनका नुकसान का देखना चाहिए। और ज़रूरी ये है कि परभणी शहर महानगर पालिका की यहाँ पर जिस तरह से एक नाली बनाई जा रही है और नाली आप किस तरह से ये नाली बनाई जा रही है और नाली खोदने की वजह से यहाँ नाली तो बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर शुक्र है इस बात का कि जो लोग यहाँ पर मजदूर काम करने वाले थे वो यहाँ पर मौके वारदात पर नहीं थे, लेकिन
अगर ये यहाँ पर मौजूद होते तो हो सकता है कि यहाँ पर जीवित हानि भी हो सकती थी, लेकिन जीवित हानि तो नहीं हुई है। यहाँ जिस तरह का नुकसान हुआ है, यहाँ पर किस तरह से नुकसान हुआ है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं। हमने इस एरिया का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद में यहाँ के मालिक से भी बात की, और मालिक से बात करने के बाद में आप आइए जानते हैं किस तरह का इनका नुकसान हुआ और क्या इनकी मांग है। बस ना दो पास एक दोन वाजता झालं आहे, दीड ते दोनच्या दरम्यान तरी एक 25 ते 30 दरम्यान समजून चाला, असं पक्क काढता येत नाही सध्या, पण एक अंदाज 25 ते 30 लाख रुपये, 25-30 बोलो तो लाख, 25 से 30 लाख रुपये। ये नुकसान कैसे हुआ, कि बारिश की वजह से हुआ कि ऑटोमेटिक गिरा, क्या हुआ? बारिश की वजह से। परभणी जिले के गंगाखेड़ तालुके के कोदरी गाँव में जिस तरह से कोदरी के पास की नदी जो है, डोंगर भाग में रहने वाले डोंगर जावड़ा इस गांव के पास की जो नदी है कोदरी, यहां से जो निकलने वाली मासोड़ी नदी है, मासोड़ी नदी को जिस तरह का सैलाब आया है, सैलाब आने की वजह से परभणी ज़िले के गंगाखेड़ तालुके के कोदरी गांव के मासोड़ी नदी के पास का जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, यहाँ की फसल में जिस तरह का पानी घुस गया है, पानी घुसने की वजह से नदी फूटने की वजह से जिस तरह का नुकसान हुआ है, आप नज़ारा देख सकते, किस तरह का नुकसान ये हुआ है, और नुकसान होने की वजह से किसानों ने जिस तरह की मांग की है आप ये देख सकते हैं। जिला प्रशासन वाले वक्त में जिस तरह से जिला प्रशासन ने इनकी ओर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देकर यहाँ का इनका सर्वे कर इन्हें भी मुआवजा देना चाहिए, ऐसी भी मांग ये यहाँ के लोग कर रहे हैं। और ये हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजा महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, उन्होंने मिलकर, मैं हूँ सैयद अफील। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है, मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी, याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं, आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें, मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें, मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी, 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा, शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें, सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज,
ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्युमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890032128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर भणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर पर भणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड पर भणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक वो नर्सिंग होम गवाने चौक परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है गवाने चौक परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकेंड नंबर 9420621।